रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र के 3 गांव सोहागी, मजगमा और पुरवा को एक सर्वे के आधार पर डायमंड ब्लॉक चिन्हित किया गया है, जिसकी वजह से अब रीवा की धरती भी हीरा उगलेगी, जिसके लिए खनन करना भी अनिवार्य होगा। मगर अब चिन्हित हुए डायमंड ब्लॉक पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, वह इसलिए क्योंकि सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने राम वन गमन पथ परियोजना को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र में हो रही खनन पर रोक लगाने सीएम को पत्र लिखा है। ऐसे में अगर राम वन गमन पथ के खनन पर रोक लगाई गई तो रीवा की धरती हीरा उगलेगी का सपना केवल सपना बनकर रह जाएगा। साथ ही विधायक ने यह भी कहा है कि अगर खनन रोक नहीं लगाई गई तो वह इसका जमकर विरोध करेंगे। बता दें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने दिया तो उन्होंने वनवास को स्वीकार करते हुए अयोध्या से शुरुआत कर रीवा जिले के तराई क्षेत्रों से होकर चित्रकूट की यात्रा पूरी की थी, जिसमें रीवा जिले के तराई क्षेत्र भी शामिल हैं। जिसमें रीवा जिले के तराई क्षेत्र में शामिल सोहागी, मजगमा सहित कई अन्य गांव आते हैं। इसको लेकर सरकार के द्वारा राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत की गई तथा जिस रास्ते पर चलकर भगवान श्री राम ने वनवास पूरा किया था उसी रास्ते पर वन गमन पथ बनाया जाएगा। मगर शासन की नीतियों के चलते उन्हें चिन्हित स्थानों पर किसी न किसी वस्तु का खनन किया जाता है, जिसको लेकर अब सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी मुखर हुए हैं और उन्होंने कहा कि राम वन गमन पथ परियोजना को पलीता न लगे इसके लिए खनन को रोकना होगा, जिससे अब रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र में चिन्हित किए गए डायमंड ब्लॉक पर भी असर पड़ सकता है। बता दें कि सरकारी अनुमति के बाद खनन प्रक्रिया का विरोध अब लगातार देखने को मिल रहा है। सतना जिले के मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के बाद रीवा के समाज सेवी बीके माला ने भी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। प्रस्तुत है समाज सेवी बीके माला से प्राप्त जानकारी के अंश। राजा रामचंद्र 14 वर्ष के त्रेता युग में वनवास के लिए हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश के सत्ता चित्रकूट में आए। 14 वर्ष में एक चतुर्मास का प्रवास था, चतुर्मास के प्रवास में यहाँ विश्राम किए और यहाँ अपने तपोस्थली के रूप में उन्होंने व्यवस्था बनाई। क्षेत्र है रीवा जिले के त्योथर तहसील के अंतर्गत 3 गांव सोहागी, मझमा, पुरवा, इन क्षेत्रों में डायमंड हीरा पाया गया है। इसके लिए सर्वे हुआ है। इन क्षेत्रों में भी अवैध क्षेत्रों को निश्चित तौर से पुनः उत्खनन करने के लिए, डायमंड निकालने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और साथ में इसके लिए सर्वे भी हो गया है। जहां राजा श्री राजा रामचंद्र भगवान की तपोस्थली है, जैसे चित्रकूट है, लगातार अवैध उत्खनन हो रहे हैं। भारत मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, जहां श्री राजा रामचंद्र को लेकर अपने एजेंडे में लिया गया है और देश के लिए अपने विषय के लिए मेन एजेंडे में रखा गया है, उसके बावजूद लगातार ऐसे क्षेत्रों का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो उन्होंने अपना स्थल बनाया था, कुछ समय के लिए रुके थे, तो ऐसे क्षेत्रों को जो सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए योजना बनी थी, यदि ऐसी प्रक्रिया बनाई जाएगी तो हम लोग इसका मुखरित होकर विरोध करेंगे और निश्चित तौर से समाज के हर तबकों को अपने आध्यात्मिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने अध्यात्म देवता के क्षेत्रों में जहां वो रुके ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए मुखरित होकर विरोध करना चाहिए, ताकि अवैध उत्खनन न हो सके, चाहे हीरा नहीं कुछ भी निकले। हम ये कहते हैं कि वहां पर हमारे आराध्य गुरु हैं, आराध्य देवता हैं, उनकी तपोस्थलियों को, उनके क्षेत्रों को संरक्षित संवर्धित करने के लिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है।